Hello everyone, this is Dr. Vedant Karvir from Globus Gastro Hospital, Mumbai. So today we are going to talk on complications of gallbladder stones. So in the last few videos we discussed about gallbladder stones different aspects. Today we will discuss what are the complications that can arise if we don't operate or if we just ignore the gallbladder stones. So we have to understand that gallbladder stone related complications happen only in 8 to 10% of the patients, and these complications are especially very common when a person has multiple gallbladder stones. So agar aapko ek hi stone hai ya single chota polyp hai to aapko complications nahi honge. So bahut commonly we see that patients develop acute cholecystitis, meaning gallbladder inflammation. So, ये एक इन्फेक्शन है जो गॉल ब्लैडर को सूजा देता है और पेन होता है. बिकॉज ऑफ एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस पेशेंट्स कैन हैव सीवियर पेन इन अपर एब्डोमेन एंड इवन समटाइम्स दिस रिक्वायर्स एन इमरजेंसी सर्जरीज. नंबर टू इज स्टोन स्लिपिंग आउट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इनटू द कॉमन बाइल डक्ट, जिसे हम पित्त की नली बोलते हैं. ये नली लीवर से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है, एंड जब ये स्टोन जाके उसमें फंस जाता है इट इज़ कॉल्ड एज कोलेडोकोलिथियासिस, मतलब स्टोन इन इंपैक्टेड इन द कॉमन बाइल डक्ट. दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिक्वायर्स अ प्रोसीजर कॉल्ड एज ERCP, विच इज़ अ एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, जिसमें हम एंडोस्कोपी से ये फंसा हुआ स्टोन है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसमें हम एक स्टेंट डाल देते हैं जिसको हम CBD स्टेंट कहते हैं. नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज परफोरेशन ऑफ गॉल ब्लैडर. सो फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स दिस बिग लार्ज गॉल ब्लैडर स्टोन्स दे गेट इम्पैक्टेड इन द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर, एंड जब ये फंस जाता है नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर में तो गॉल ब्लैडर डिस्टेंड होता है, फूक जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द सेप्सिस ये गॉल ब्लैडर प्रेशर ज़्यादा बढ़ के फट सकता है, which is called as perforation of the gallbladder. This is also very commonly seen in patients with large gallbladder stones. Next, number 4 is acute gallstone related pancreatitis. So, जैसे मैंने कहा कि स्टोन जब पास होके gallbladder से पास होके bile duct में या CBD में फंस जाता है उसी के बगल में pancreas, जिसे हम स्वादुपिंड कहते हैं, वो pancreas को सूजन क्रिएट कर सकता है, and that is called as pancreatitis. Acute gallstone pancreatitis is a second commonest cause of pancreatitis in India and worldwide. So, इसे हमें गंभीरता से लेना जरूरी है because sometimes patients become very serious because of pancreatitis. Last and number 5th is gallbladder cancers. So, if your age is more than 50 and अगर आपके stones या polyps multiple है and huge है, बड़े हैं, सो इसमें चांसेस होता है कि कभी कभी ये गॉल ब्लैडर के मैलिग्नेंसी में भी चेंज हो सकता है. बट यू हैव टू नोट दैट द चांसेस आर लेस देन 3 to 4%. इट इज़ वेरी अनकॉमन फॉर द स्टोन्स कन्वर्टिंग इनटू मैलिग्नेंसी. इट इज़ इन फ्यू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स एंड स्पेशली व्हेन देर आर मल्टीपल स्टोन्स विच आर देयर फॉर मेनी ईयर्स. सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव सफरिंग इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर स्टोन्स स्पेशली दे आर मल्टीपल स्टोन्स और मल्टीपल पॉलिप्स, please do consult your nearest gastroenterologist for the same. Thank you.